नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चेकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज का वीडियो में जो कंटेंट होने वाला है वो आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो मैंने फिलहाल 50 पीस पीसीबी बनाया है, जो कि है 100 वाट से लेकर 500 वाट तक आउटपुट लेने के लिए एक दमदार पीसीबी, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है। आप लोग देख सकते हैं 50 पीस पीसीबी मैंने बनाया है। तो एक को मैंने तैयार करके रखा है, तो आगे मैं दिखाऊंगा इसका प्राइस डिटेल्स वीडियो में आगे बोल दूंगा। तो देख सकते हो ड्राइवर बोर्ड कैसा दिख रहा है पूरा कंप्लीट करके, जो कि इजी टू इंस्टॉल होगा। और साइज में बता दे रहा हूँ, तो इसका जो साइज है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग देख लीजिए साइज को। और प्राइस डिटेल में इसका जो प्राइस रहने वाला है वो वीडियो के आगे में बता दूंगा। तो देख सकते हो आप 4 इंच से छोटा है लंबाई में, और चौड़ाई में देखिए कितना छोटा है, चौड़ाई में 2 इंच है। ठीक है, तो चौड़ाई में 2 इंच और लंबाई में 4 इंच है ये वाला पीसीबी, जो कि आपको 100 वाट से लेकर 500 वाट से भी आगे आप लोग ले सकते हो आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि पीछे आप लोग देख सकते हो जो ज़्यादा करंट फ्लो होगा जिस लाइन से, उस लाइन को मैंने कॉपर टीनिंग कर दिया है, जो टीनिंग कर दिया है शोल्डर टीनिंग। और पीसीबी का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है पीसीबी का। और इस वाले पीसीबी में ऑल इन वन है, इसमें मैं चाहूँ तो एनपीएन ड्राइवर प्लस पीएनपी ड्राइवर भी बना सकता हूँ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है 30-55, उसका भी ड्राइवर इस बोर्ड से बन जाएगा। और एक बात है, खासियत है, यहाँ पर आप बड़ा ट्रांजिस्टर नहीं चाहते हो तो छोटा ट्रांजिस्टर लगा के भी आप लोग ले सकते हो, जिससे कि थोड़ा प्राइस आपको कम पड़ेगा। ठीक है, इस वाले ड्राइवर को लेने पर। और इसके साथ मिलने वाला है आप लोगों को ये वाला कनेक्टर, जिससे कि आप लोग वायर को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है ये वीडियो रोकोला का है, तो डायग्राम के लिए मुझे मत पूछना। और खाली पीसीबी मैं नहीं बेचने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीट ड्राइवर बोर्ड है वही मैं वही मैं देने वाला हूँ। तो कंप्लीट ड्राइवर बोर्ड ही जिसको लेना है वही मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, और खाली पीसीबी मैं नहीं बेचने वाला हूँ, तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ तो फिलहाल के लिए। क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट का ना कंपोनेंट का जो आप लोग देख लीजिए, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ, कंपोनेंट का जो लिखावट होता है ना, इसमें सारा कुछ लिखा नहीं है। तो आप लोग अगर पीसीबी लोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। और कॉपर टीनिंग देख सकते हो, टीनिंग नहीं किया गया है, टीनिंग भी मुझे खुद से करना पड़ रहा है। तो खाली पीसीबी आप लोगों को अभी तो नहीं मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है डीसी ऑफसेट विथ, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा कैमरे को, तो ये आप लोग देख सकते हो डीसी ऑफसेट विथ जोबेल नेटवर्क इनबिल्ड है। और इसके अंदर आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पर लगा हुआ है डीसी ऑफसेट सेटिंग करने के लिए पी सेट। और ये रहा हमारा जोबेल नेटवर्क, जो कि 104 का कैपेसिटर के साथ 10 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो हालांकि यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है D718 लगा हुआ है, B688 लगा हुआ है, तो इसके जगह आपको C5198 और 1941 मिलेगा। ठीक है, और TIP 41 42 CB लगाने का जगह है यहाँ पर, तो आप लोगों को ये उठा कर वो लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो ड्राइवर का कॉस्ट है थोड़ा कम मिलेगा। उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर देना। और इस ड्राइवर बोर्ड का प्राइस रहने वाला है मात्र ये वाला कनेक्टर देकर। ठीक है, कोई वायर आपको कनेक्ट करके नहीं मिलेगा, आपको ये वाला कनेक्टर देकर, जिससे कि आप लोग सारा कुछ कनेक्ट कर सको। तो आप लोगों का जो प्राइस रहने वाला है इस वाले ड्राइवर बोर्ड का वो रहने वाला है 550 रुपये। तो इस वाले ड्राइवर बोर्ड का आपका प्राइस रहने वाला है 550 रुपये। तो करते हैं आप लोगों के सामने साउंड टेस्टिंग, और वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा सारा कुछ आप लोगों के सामने ही लगा के दिखाऊँगा। ठीक है,
तो जल्दी जल्दी करते हैं कनेक्शन। तो पहले तो हमारा जो फीडबैक का वायर है वो लग जाएगा यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर लग जाएगा, जो कि है कॉइल के इस तरफ, यहाँ पर लग गया हमारा फीडबैक का वायर। और स्पीकर वायर लग जाएगा यहाँ से, स्पीकर आउट है हमारा, स्पीकर आउट यहाँ से है, स्पीकर आउट से कनेक्ट कर दिया हमने। और पॉजिटिव सप्लाई जो है, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 70 वोल्ट DC, हालांकि मैं 20020 के ट्रांसफार्मर में टेस्ट कर रहा हूँ। तो और हमारा जो कनेक्टर वायर है ये वाला है हमारा माइनस वोल्टेज, जो कि -70 वोल्ट DC में लग जाएगा। तो अभी कनेक्ट करना पड़ेगा हमको इसका जो बायस वोल्टेज जाएगा ट्रांजिस्टर को, वो वाला वायर। तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे बी प्लस पर। और ये जाएगा हमारा बी माइनस पर। तो हमारा बायस वोल्टेज के लिए जो सप्लाई है वो कनेक्ट कर दिया है हमने। तो थोड़ा सा टेबल को नहीं हिलाते हुए कनेक्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखेगा। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमने दोनों सप्लाई के वायर कनेक्ट कर लिया है, हमारा इनपुट वाला वायर ये वाला है, इनपुट वाला वायर, और ये हमारा स्पीकर आउट। देखिए कितना इजी इंस्टॉल हो चुका है हमारा ड्राइवर बोर्ड। अभी इसमें ग्राउंड को देना पड़ेगा, ग्राउंड वाला वायर ये देखिए यहाँ पर भी कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा ड्राइवर कनेक्ट, अब करते हैं स्पीकर को कनेक्ट। तो ग्राउंड को मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और स्पीकर का वायर ये देख सकते हो आप, स्पीकर वायर हमने कनेक्ट कर दिया। तो ड्राइवर पहले अभी भी टेस्ट नहीं हुआ था, अभी आप लोगों के सामने ही टेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ कनेक्शन कर लिया, तो सोचा कि आप लोगों के लिए मैं पहले टेस्टिंग नहीं करके आप लोगों के सामने ही टेस्टिंग करूँगा, इसी वजह से मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी करते हैं इनपुट वाला वायर कनेक्ट, फिर करेंगे। तो इनपुट वाला वायर भी कनेक्ट हो चुका है, स्पीकर कनेक्ट हो चुका है। चलिए करते हैं आप पावर ऑफ एम्पलीफायर को सीरीज लाइन के ऊपर। पावर ऑफ हो चुका है, अभी करते हैं हमारा हेलो। चलिए अच्छे से काम कर रहा है। तो आप करते हैं हम इसको कनेक्ट ब्लूटूथ के साथ, फिर हम लोग सुनेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा निकल रहा है, जो कि 2020 सप्लाई के ऊपर है। तो सप्लाई भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस, तो आपको वायरिंग थोड़ा सा उलट पुलट दिखेगा क्योंकि सुबह सुबह मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी मैं वीडियो कर रहा हूँ। कभी अभी तो मुझे दुकान भी जाना है और वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं साउंड टेस्टिंग। NCS का गाना प्ले करेंगे हम। तो ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई सब कुछ डाल दिया गया है, तो अभी हम लोग वॉल्यूम जीरो करके DC ऑफसेट भी दिखेंगे देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो पहले साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। We already lost.
तो आप लोगों ने साउंड क्वालिटी सुन लिया इस ड्राइवर बोर्ड का, जो कि बहुत ही क्लियर साउंड क्वालिटी है। और आप लोगों को मिड रेंज अगर स्पीकर चलाना है, स्पीकर ऊपर चलाना है, तो इस बोर्ड, इस ड्राइवर बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ड्राइवर बोर्ड बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर और भी वीडियो देखे होंगे इसके ऊपर, इस ड्राइवर बोर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारे ड्राइवर बोर्ड बनाए हैं। तो इसमें क्वालिटी है, इसमें जो इम्पोर्टेड पीसीबी क्वालिटी का होता है, जो कंपनी मेड पीसीबी क्वालिटी होता है वही है, हैंडमेड पीसीबी नहीं है। अब इसका प्राइस मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, 550 रुपये इस ड्राइवर बोर्ड का प्राइस रहने वाला है। और आप लोगों को अगर डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके साथ आपको कनेक्टर मिल जाएगा जिससे कि आप लोग वायर को अच्छे से कनेक्ट कर सको। तो यही चीज़ है। और अगर आपको कनेक्टर नहीं चाहिए तो आपको जो इसमें जो कनेक्टर लगने वाला कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर और ये वाला कनेक्टर, ये दोनों कनेक्टर नहीं मिलेगा, इससे आपको 50 रुपये आपका पीछे ड्राइवर बोर्ड का प्राइस कम हो जाएगा, जिससे आपका वायर कनेक्ट करना पड़ेगा और आपका ड्राइवर बोर्ड का प्राइस रहेगा 500 रुपये, जिससे कि आपको कनेक्टर नहीं मिलेगा, आपको वायर को डायरेक्ट पीसीबी में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डीसी ऑफसेट आप लोगों का पर अगर मैं दिखा देता हूँ, तो डीसी ऑफसेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वॉल्यूम 0 कंडीशन पे हमारा डीसी ऑफसेट आना चाहिए, जो कि 200 मिली वोल्ट के अंदर 0 0। तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, 23-24 वोल्ट आ रहा है फिलहाल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पर है ग्राउंड के साथ टच करा देंगे। तो ग्राउंड हो गया है, अब हम स्पीकर टर्मिनल में देखेंगे। तो अभी हम करते हैं डीसी ऑफसेट को सेटिंग। ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 16 वोल्ट आ चुका है। अब और भी ज़्यादा घटाने चाहिए, आ चुका है 5.6 पॉइंट, अभी और भी ज़्यादा घटाना पड़ेगा, 2.3.4। माइनस वोल्ट के ऊपर चला गया, अभी अभी आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट 0 हो चुका है, लेकिन मल्टीमीटर के ख़राबी के वजह से थोड़ा डीसी ऑफसेट आपको परफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छा नहीं है इस मल्टीमीटर में। लेकिन हमारा डीसी ऑफसेट 0 0 हो चुका है, और आप लोगों को मैं साउंड फिर से सुना देता हूँ। और इसको I'm never meant to fall.
अंत तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो को अंत तक इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम, और फिर से मिलता हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर। और आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छे से अच्छा बना रहा तो बहुत जल्द और भी ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड आने वाला है। और आप लोगों को सामने मैंने डीसी ऑफ से डिस का जो कनेक्शन है सब कुछ करा के देखा दिया, जो कि बहुत ही आसान है। और आप लोग इससे 100 वाट से लेकर 500 वाट तक आउटपुट ले सकते हो इस ड्राइवर बोर्ड से। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर।